इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या एडीएसडी वाले बच्चे हैं, क्योंकि देखते हुए ये आता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये एक हिटरोजीनियस ग्रुप यहाँ पे जो है उसमें डिसेबिलिटीज जो भी हैं वो यहाँ पे हमें बच्चों में नजर आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी आखिर है क्या। लर्निंग डिसेबिलिटी में हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोसेस होता है, ब्रेन का जो प्रोसेस होता है चीजों को रिसीव करने का, उनको प्रोसेस करने का, उनको एनालाइज करने का या उनको स्टोर करने का और देन उनको रिट्राइव करने का, ये जो प्रोसेस होता है आप लोगों ने मेमोरी में भी पढ़ा होगा कि एनकोडिंग की हम लोग बात करते हैं कि जो भी चीजों को हम अपने सेंसेस के थ्रू रिसीव कर रहे हैं ठीक है, वो सारी की सारी एक कोड के रूप में हमारे ब्रेन में जाकर के वो चीजें जो हैं वो जाती हैं और एक उनकी प्रोसेस होता है और वो स्टोर हो जाती है। जस्ट लाइक ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम जो कुछ भी लिखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये इसकी भाषा होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है या डिफरेंट ऑल लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें जाकर के वो चीजें सेव होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लिखा लर्निंग तो लर्निंग एज इट इज जाकर के वहां पे सेव हो गया, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है, उसकी एक भाषा होती है, उसके थ्रू वो जाकर के हम रिसीव करते हैं, देन उसको उसी रूप में स्टोर करते हैं। और जब हमको कोई चीज की जरूरत होती है कि भाई हमने लर्निंग डिसेबिलिटी पे हमने अपना पीपीटी बनाया है इसको हमें दिखाना है तो हम वहां से उसको जो है रिट्राइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे जो चीजें बोली जा रही हैं वो चीजें एज इट इज नहीं बच्चा जो है वो रिसीव करता है, उसकी कोडिंग सही नहीं हो पाती है। जब कोडिंग सही नहीं होती है तो प्रोसेसिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, और जब प्रॉब्लम आता है प्रोसेसिंग या स्टोरेज सही नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे आपका रिट्राइव या जब हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उस इंफॉर्मेशन को हम नहीं निकाल पाते ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पिक में आप देख सकते हो कि ए बी सी डी ये इस तरीके से बोला जा रहा है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ना हमारे पीपीटी। सिर्फ फर्स्ट पेज दिख रहा यस है मैम, यस मैम, ओके। मैम तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैम कि यस व्हाट हैपेंड, सिर्फ फर्स्ट पेज दिख रहा है मैम, फर्स्ट पीपीटी मतलब फर्स्ट स्लाइड दिख रही है सिर्फ। यस फर्स्ट स्लाइड, व्हाट आर लर्निंग डिसेबिलिटीज, देयर इज आइडेंटिफिकेशन टू ऑफ पिक्चर्स, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक, द कवर पेज इज ओनली शोन। only first slide you can see, only first slide, yes, okay, I think someone has presentation mode, just a minute, screen को ही फॉरवर्ड मैम, entire screen इसमें हाँ जी तभी बोलिए मैम, एंटायर स्क्रीन जब आप जाएंगी ना शेयर वाले हाँ ऑप्शन के, तो वहां पे ऑप्शन होता है पहला वाला योर एंटायर स्क्रीन, यस एक्चुअली वो किसी ने हो सकता है कि यहाँ पे स्क्रीन जो है अपना शेयर कर दिया हो इस वजह से वो चीजें हट जाती हैं। नहीं नहीं मैम, मैं दोबारा कर ले रही हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा जा रही हूँ प्रेजेंटेशन पे अपने। Now is it visible to everyone? आप सभी मैम लोगों शो को, हो रहा है, शो हाँ? यस मैम, हो रहा है मैम, तो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे बोले क्या बोल रहे हो आप लोग,
सबिता शो हो रहा है मैम, शो हो रहा है, ओके ओके नो प्रॉब्लम, ओके गुड। तो यहाँ पे जैसे ये सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों को लिखने के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला है, उसमें आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से ए बी जी ई ये आप रिवर्स में आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो चली जाती हैं। ऑब्वियसली जब इस तरीके से आप स्टोर करते हो किसी चीज को, तब उसको आप इजी वे में रिकॉल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आप बाजार जाते हो, आप वहां से कई तरीके के सामान लेकर के आते हो, नमकीन लाते हो, बिस्किट लाते हो, दालें लाते हो, तेल लाते हो, ठीक है। अगर आप उसको एज इट इज एक कंटेनर में सब चीजों को एक साथ में आप डाल देते हो, ठीक है, आप लेकर के मार्केट से आए, आपने एक कंटेनर में सब कुछ डाल दिया, बिस्किट भी, नमकीन भी, तेल भी, दालें भी, ये वो जितना भी सामान है, तो आपको अगर मॉर्निंग में देर हो रही है स्कूल जाने के लिए, तो आपको अगर बिस्किट चाहिए, जो सा आपको बिस्किट चाहिए, बर्बन चाहिए, जो भी चाहिए, आप चाहो कि तो एक बार में नहीं उठ करके आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे भी यही चीज होती है कि जिस तरीके से आप चीजों को रिसीव करते हो, उनको स्टोर, अब वही चीज को आप बिस्किट को बिस्किट में, नमकीन को नमकीन में, दालों को हर दाल को अलग अलग दालों में डाल देते हो, तेल को तेल में रख देते हो, तो आपको फिर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे भी सेम चीज होती है, जो ब्रेन के प्रोसेसिंग है उसमें बेसिकली प्रॉब्लम आता है यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को, तो वो चीजों को वो सही सही समझ नहीं पाते हैं। और जितनी जल्दी समझना चाहिए, हमको लगता है 2+2=4 हमारे लिए बहुत इजी है, लेकिन इन बच्चों को समझने में, वो छोटी सी चीज को समझने में जो है वो प्रॉब्लम आता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी में काफी अंतर है, इस पे मैं अभी साइड्स पे आऊंगी। लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात होती है कि इसमें कॉग्निशन एंड लर्निंग दोनों चीजें इसमें जो है वो शामिल रहती हैं। लेकिन इसका जो असर होता है, ऑब्वियसली जब आपका कॉग्निशन अच्छा भी है लेकिन लर्निंग नहीं हो पा रही है, अभी जैसा मैंने बोला कि आप रिसीव कायदे से कर रहे हो नहीं, लेकिन स्टोरेज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऑब्वियसली आप रिट्राइव नहीं कर पाओगे, आपका जो है वो कहना चाहिए कि रिसीव आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, मैं बोल रही हूँ ए बी सी डी, आपका दिमाग में जो स्टोरेज हो रहा है सी डी ए बी, अब ये आपके स्टोरेज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब आप रिकॉल करोगे तो भी आप सी ए डी बी ही करोगे, आप ए बी सी डी नहीं कर पा रहे हो। इसका जो असर सीधा सा जाता है वो बच्चे के एकेडमिक और उसके जो परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट लेवल है, उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। और कई बार देखने में आता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, कई बार लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेंसरी डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये एक एसएलडी वाले बच्चों यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ में जो है ये चीजें जो है वो बेसिकली एसोसिएटेड प्रॉब्लम की तरीके से हो सकती है। ये कोई प्राइमरी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है बच्चा, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, यानी कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, इस वजह से बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला हो गया, बच्चा एडीएसडी वाला है, इस वजह से उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हमें देखने को मिल रही, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें सब चीजें जो है वो अलग अलग है, ये एसोसिएटेड डिसेबिलिटी या एसोसिएटेड कंडीशंस हो सकते हैं, बट ये
प्राइमरी चीजें जो है वो नहीं हो सकती है। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? यस मैम। ओके जी मैम, क्लियर हो रही है। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे ये, अगर आपको कोई चीज भी कहीं पे नहीं क्लियर हो रही है तो प्लीज उसको पूछ लीजिएगा। ओके तो आइडिया ने जो है अपना जो एक्ट जो है, आइडिया एक्ट जो है उसने 2004 में अपना एक डेफिनेशन इसका जो एलडी का दिया हुआ था उसमें यही चीज उन्होंने मेन बताई थी कि बच्चों को लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, सोचने में, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली जब कोई भी चीज को आप ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं समझ पाओगे तो आप वो चीजों को आप जो है उसको कायदे से आप नहीं कर पाओगे, स्टोर नहीं होगी। जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना क्लास में, ध्यान से सुनो क्या हम बोल रहे हैं, क्या टीचर बोल रही है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे यही चीज होती है कि ये बच्चे थोड़ा जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और जहाँ पे अटेंशन की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसकी वजह से इनको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम आती है। स्पेलिंग लर्न हो गई है, बच्चा अच्छी तरीके से हिंदी भी पढ़ रहा है कि तितली रानी मटकती आई, ये वो करके वो पढ़ रहा है अच्छे से। वही चीजों को आप जो है उसको ये भी पता है कि आ की मात्रा लगी है तो हमें का बोलना है या छोटी की है तो की बोलना है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब राइटिंग में जा रहा है वही चीज को जब आप में डिक्टेट कर रहे हो और वो सुन रहा है लेकिन उसको स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, यानी कि मात्राओं में वो जो है वो काफी सारी एरर्स कर रहा है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप सिखा रहे हो बच्चे को, उसको क्लियर है वो चीजें, उसको बिल्कुल टेबल सारी अच्छे से आती हैं। आपने जैसे होता ना कि हम लोग डॉज करके पूछते हैं 4 8 4 1 5 5 बता रहा है आराम से, लेकिन जब वो खुद में जो है कैलकुलेशन कर रहा है वहां पे प्रॉब्लम्स जो है वो आने लग जाते। तो ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, ये इनको हम अलग अलग नहीं बोलते हैं। RPWD एक्ट 2016 ने भी जो है ये चीजों को जो है उन्होंने भी ये चीज को बताया है कि इसमें इन्होंने ये हीट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंडीशंस की बात करी है, यानी ये चीजें एक दूसरे के साथ में सब जुड़ी हुई होती है। कैसे जुड़ी हुई होती है कि बच्चे को जो है रीडिंग में प्रॉब्लम है, सपोज रीडिंग में प्रॉब्लम है, अब बच्चा जो है वो लिखेगा भी गलत ही है ना, मैथ में भी उसको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मैथ में वर्ड प्रॉब्लम्स अगर दे दिए हैं, क्या लिखा हुआ है वो चीज को वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आती है, देयर इज अ डेफिसिट इन प्रोसेसिंग लैंग्वेज स्पोकन और रिटन की बात यहाँ पे करी है, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, जब बच्चे ने कोई चीज को कायदे से सुना नहीं है, उसको जाना नहीं है तो वो बोलेगा कैसे कि ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये USB पोर्ट है, अगर ये चीज को उसने नहीं जाना। यस मैम, एक्चुअली जो स्लाइड्स है ना वो चेंज नहीं हो रही, आप ना जब आप वो पीपीटी को शेयर कर रही है ना तो जब शेयरिंग का ऑप्शन है उसमें इंटायर स्क्रीन का ऑप्शन लीजिए। ओके 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 ठीक है। इंटायर स्क्रीन तो ले लिया मैंने लेकिन इंटायर स्क्रीन के बाद जो आपकी पीपीटी खुली हुई है ना वो वाली जो स्क्रीन है, हाँ, अब आप जो ना पीपीटी वाली स्क्रीन है
जाइए उस अच्छा उस पे जाऊं अब मैं। हाँ हाँ ओके अब इसको अभी दिख रहा है क्या? हाँ हाँ ओके ठीक है फुल स्क्रीन मैम। हाँ कर रही हूँ कर रही हूँ। हाँ ठीक है अभी। हाँ अभी चेंज हो रहा है। जी जी मैम जी ओके ठीक है। तो यहाँ पे बात थी RPWD एक्ट में भी यही चीजों के बारे में उन्होंने बात करी है कि रीडिंग में स्पेलिंग में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ये सारी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल डिसेबिलिटीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। डिसलेक्सिया डिसग्राफिया डिसकैल्कुलिया डिस्प्रेक्सिया डेवलपमेंटल एफेजिया यानी लैंग्वेज में सीवियर प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बात करी गई है। यही सारी चीजें मिल करके जो है एक जो बच्चा है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी वाली बात जो है वो सामने आती है। हम यहाँ पे बात करते हैं क्या क्राइटेरिया है। अभी जो हमने बोला था कि लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ADHD में डिफरेंस है। यहाँ पे सबसे पहले जो बात आती है यहाँ पे जो बच्चा है अगर एसोसिएटेड कंडीशंस के रूप में उसमें जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो ऑब्वियसली उसका IQ लेवल जो है वो 70 से बिलो होगा। एडेप्टिव बिहेवियर्स में प्रॉब्लम आएगी और साथ साथ में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो केवल और केवल 18 ईयर्स तक ही हो सकती है। तो यहाँ पे जो बात आती है उसके बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे बच्चा जो है अपनी एज लेवल के अकॉर्डिंग अपने ग्रेड लेवल को जो है के स्टैंडर्ड्स को जो है वो मीटअप नहीं कर पाता है। यहाँ पे उसके अनुरूप बच्चा जो है वो नहीं चल पाता है। जो उसके दूसरे क्लास के सहपाठी हैं उसके फ्रेंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो नहीं चल पाता है और इसी तरीके से जो है उसमें एक अंडर अचीवमेंट वाली जो है वो चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे चीज और भी है। यहाँ पे बच्चे को ऐसा नहीं है कि हम उसको अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं या उसके लिए हम रीड नहीं कर रहे हैं या मैथमेटिक्स में हम उसको इंस्ट्रक्शंस गलत दे रहे हैं या हम बहुत जल्दी जल्दी दे दे रहे हैं ये चीज नहीं। हमारे सब कुछ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। हम बहुत अच्छी तरीके से समझाने की बताने की करके दिखाने की उससे करवा करके सब कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी बच्चा जो है वो चीजों को नहीं कर पा रहा है। और एक चीज और भी देखो यहाँ पे होती है कि जो ID वाले जो बच्चे हैं उनमें सारी चीजों में अडेप्टिव बिहेवियर में डेफिसिट देखने को मिलता है यानी कि हर चीज में उनका प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। हर चीज में उनका जो ग्रेड्स आएंगे वो सब में आपको एक सिमेट्रिकली उसमें आपको कम देखने को मिलते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। किसी में तो कंप्यूटर एजुकेशन में तो 40 आ जा रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स में केवल उनके 1 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं या हिंदी में जो है अगर हम बात कर रहे हैं तो हिंदी में जो है वो केवल जो है 4 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 40। इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलती। इसके साथ साथ में जो बच्चे हैं उनमें हमें सफिशिएंट प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। कितना भी आप जो है रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशंस को देते हो साइंटिफिकली अप्रूव्ड आप इंटरवेंशन या स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हो उनको कराते हो लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे में हमें जो एक प्रोग्रेस देखने को मिलना चाहिए कि हमने 10 बार एक चैप्टर को जो है वो पढ़ा दिया कि मीरा किनानी ऐसी थी मीरा किनानी ये लाई वो लाई ये किया वो किया जो भी चीजें थी दिवाली आई सर्दी लाई जो भी चीजें थी लेकिन इसके बाद जो है आपने 10 बार बच्चे से पढ़वा लिया उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए लिखवा दिया ओरल करा लिया ईच एंड एवरी स्ट्रेटजीज यू हैव अडॉप्टेड बट जब आप बच्चे को आप करवा रहे हो यानी जब आप उसका इवेल्युएट कर रहे हो या असेसमेंट ले रहे करवा रहे हो उसको उसमें उसको 0 मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है इसके अलावा
उसमें बच्चे का जो है चाइल्ड मस्ट नॉट बी डिटरमाइंड टू बी अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी इफ देयर इज, हम उस बच्चे को कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं डालेंगे जहां पे lack of appropriate instructions in reading including the essential components of reading instructions, जहां पे जो भी रीडिंग के या और दूसरे कॉम्पोनेंट्स है यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, अब बच्चे को हिंदी समझ में आती है, हम पूरे इंस्ट्रक्शन अगर इंग्लिश में देते चले जा रहे ऑब्वियसली बच्चा नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि बच्चे को हम रीड करना होता है बच्चे के लिए जहाँ पे उसको जरूरत होती है, सब कुछ देने के बावजूद भी अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में अगर हम इंस्ट्रक्शन सही सही रूप से दे रहे हैं उसके बावजूद भी बच्चा जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मैथ, अगर आपने अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं तो यहाँ पे आपकी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है कि आपने इंस्ट्रक्शन सही नहीं दिए, आपने उसको एप्रोप्रिएट वे से आपने उसको सिखाया नहीं है, या लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बच्चे को हिंदी स्पीकिंग है या बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग है, आप उसको हिंदी में दे रहे हो या आप उसको बंगला में दे रहे हो, दूसरे आप लैंग्वेज में दे रहे हो, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है जो आपको ऑब्वियसली समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की जो चीजें हैं ये ही हमारे एक बच्चे का निर्धारण करती हैं कि हाँ रियली में ये बच्चा जो है वो SLD का केस है भी या नहीं है। इन बच्चों में भी हमें बहुत ज्यादा ADHD के प्रॉब्लम्स भी नजर आती हैं, बच्चे का अटेंशन डेफिसिट नजर आता है, बच्चे में बहुत सारे जो है कॉग्निशन से रिलेटेड डेफिसिट्स नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी वाला बच्चा जो है हो गया, ये नहीं है। यहाँ पे ये चीज में आपको यहाँ पे अच्छे से डिफ्रेंशिएशन जो है वो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉजेस क्या हो सकते हैं SLD के। सबसे पहले बात आ जाती है हेरिडिटी की, हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी फैमिली में कोई इस तरीके के पेरेंट्स में कोई इस तरीके के या रिलेटिव्स जो भी हैं उनमें कोई सिमिलर डिफिकल्टीज या लर्निंग डिफिकल्टीज या साथ साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी अगर उनमें असिस्ट कर रही है तो ऐसा देखने में मिलता है हेरिडिटी में, कि ये जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे में रीडिंग से रिलेटेड यानी कि डिसलेक्सिया नजर आ रहा है, और हो सकता है कि जो आपके फोरफादर्स उसमें रहे हो उनमें किसी में जो है वो डिसग्राफिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उनमें डिसलेक्सिया था तो इसमें डिसलेक्सिया, उनमें डिसग्राफिया था तो इसमें डिसग्राफिया, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीजें जो है वो नजर आती है। और एक चीज लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये भी होती है कि आम तौर पे जो मैथ के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैथ में हम बच्चों को शुरुआत से ही बहुत ज्यादा डरा करके रखते हैं कि ये मैथ तो जो है तुम्हारे लाइफ है, और मैथ को इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में हम चीजों को बता देते हैं, बाकी चीजों को तो हम प्लेवे मेथड से करा देते हैं, लेकिन मैथ का जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात आ जाती है, मैथ का कॉन्सेप्ट जो है वो हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं और बच्चे को काफी डरा देते हैं, तो कई बार बच्चे उससे भागने लग जाते हैं। तो भागने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो बच्चा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी वाला या डिसकैल्कुलिया का एक केस बन गया, ये नहीं होता है। वही चीज आगे कि बच्चे को जो कुछ भी हमें सिखाना है एक अप्रोप्रिएट वे में उस स्ट्रेटजीज के साथ में सिखाने की यहाँ पे जरूरत हो। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ की बात हम करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी भी अन्य जो भी डिसेबिलिटीज हैं उनकी तरह ही प्रेगनेंसी में प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल कॉजेस यहाँ पे भी काउंट होते हैं। कोई भी इंजरी है,
या फेटल एक्सपोजर टू अल्कोहल अगर ड्यूरिंग 9 मंथ्स में या प्रीनेटल में अगर जो है अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह का यूज करते हैं, लो बर्थ वेट है, ऑक्सीजन डिप्राइवेशन की बात है, या प्री मैच्योर बेबी जो है वो डिलीवर हुआ है, या प्रोलॉन्ग लेबर पेन माँ को मिला है, तो ये चीजें जो है बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी भी ला सकती है, जैसे दूसरे और अन्य प्रकार की डिसेबिलिटीज की हम बात करते हैं। एक्सीडेंट्स आफ्टर बर्थ की बात करते हैं जिसमें माल न्यूट्रिशन है, हेड इंजरी है, टॉक्सिक एक्सपोजर की बात करते हैं, हैवी मेटल्स की बात करते हैं जिसमें लेड की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं कि जैसे आजकल सभी सब्जियों फलों सभी जगहों पे जो है वो इस तरीके की चीजें जो है वो हैवी मेटल्स जो है हम इनटेक कर जाते हैं, तो ये चीजें जो है बहुत नुकसानदेह हो जाती है। जैसा हमारा आज का लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग जो है न्यूट्रिशन की बजाय माल न्यूट्रिशन ज्यादा हम इनटेक हमारा रहता है और साथ साथ में टॉक्सिक चीजें भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे में मैंने थोड़ा सा इस पे हाईलाइट किया है कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। इंसिडेंट और प्रेवलेंस की अगर हम रेट की बात कर रहे हैं तो 1.58% टू ये हमारा 12 टू 18 इयर्स के जो भी हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनमें एक स्टडीज कंडक्ट की गई थी चंडीगढ़ में, उसमें ये जो है आंकड़े जो है ये डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है और साथ साथ में 5 to 15% में जो है वो बच्चे जो है वो दिखाई देते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले। अभी तक मैं पहले शुरुआत में मैंने ये बोला था कि अभी तक जो है वो चीजें जो है हमारे बिल्कुल सामने नहीं आई थी। हम एलडी वाले बच्चों को भी जो है वो एडीएसडी में या आईडी में या दूसरी अन्य प्रकार के डिसेबिलिटीज में हम डाल देते थे, लेकिन स्पेसिफिकली हम उनको एलडी का केस नहीं बोलते थे। अरे ये तो सुन ही नहीं पाता है, ये तो समझता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आईडी वाला केस है, हम उसमें डालते थे। लेकिन अभी जो स्टडीज कंडक्ट हुई हैं उसमें 5 to 15% बच्चे जो हैं वो एसएलडी वाले देखने को मिल रहे हैं। करैक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज की अगर हम यहाँ पे बात करें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, जो स्टडीज कंडक्ट की गई हैं उसमें हमें यही देखने को मिलता है डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन की सबसे पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें अटेंशन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ये अपने अटेंशन को सस्टेन कर पाते हैं, कहीं पे किसी कोई जगह सी आवाज हुई तुरंत ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप पढ़ा रहे हो, कोई टीचर उनका क्लास के सामने से निकला तुरंत ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या दिमाग में एक चीज चलती रहती है कि अभी तो मेरा जो इनको पसंद है म्यूजिक पसंद है या पीटी पसंद है इस तरीके के जो पीरियड्स हैं उसमें, तो इनके दिमाग में आप मैथ का काम करवा रहे हो उस पीरियड में उनको, लेकिन इनके दिमाग में चलना है फोर्थ पीरियड में इस पीरियड के बाद तो मुझे अभी इस वाली पीरियड में जाना है, पीटी में मैडम के पास जाना है मुझे, तो ये दिमाग में चलता रहता है कि एक जगह पे ये स्थिर हो करके कि जैसे बोलते हैं ना कि एक टाइम पे एक काम को करना, वो चीजें देखने को नहीं मिलती है और कई बार अटेंशन डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि इनमें जो है एडीएसडी के भी जो लक्षण है वो देखने को जो है वो मिलने लग जाते हैं। रीडिंग डिफिकल्टीज देखने को मिलती है और मोस्टली 90% जो एसएलडी के केसेस होते हैं उनमें रीडिंग डिफिकल्टी देखने को ज्यादा करके मिलती है। सबसे ज्यादा जो बच्चे मिलते हैं वो डिसलेक्सिया वाले बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। उसका भी कारण है,
अभी हम लोग उस कारण पे आते हैं। फॉल्टी ऑडिटरी परसेप्शन की यहाँ पे बात आती है, विजुअल प्रोसेस की बात आती है, ठीक है। और जो भी लेटर्स बोले जा रहे हैं, जो स्पीच हो रही है, जो बोला जा रहा है, उसको ये एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, आपस में उसको जोड़ करके वो चीजों को समझने की जहां तक बात आती है उसको ये बच्चे जो है वो नहीं कर पाते। मैंने बोला कि रीडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि यहाँ पे उनको हमने बोला कि का में आ की मात्रा लगाएंगे तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, का, ठीक है। अगर हमने डीएच बोला है तो डीएच मीन्स ध, यहाँ पे बात आती है मेमोरी की। मेमोरी सिंपल सी बात है, एनकोडिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल वाली जो एक मॉडल है एटकिंसन एंड शिफ्रिन वाला, उसके आप अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे ये चीजें जो है वो काउंट होती है। अब उसके उसको तो हमने बोला कि इसमें का में आ की मात्रा लगाएंगे तो का हो जाएगा, ऐसे एक मात्रा लगाएंगे तो ए हो जाता है। ये चीजों को आपने हिंदी में सिखाया, इंग्लिश में आप बता रहे हो वो चीजों को, तो यहाँ पे भी यही चीज आ जाती है। एक चीज को सीखेंगे तो दूसरी चीज में अप्लाई करने में इनको जो है जो एडेप्टेशन की हम लोग जो बात करते हैं वो चीजों में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। और जब बच्चे ने उस चीज को मेमोराइज नहीं किया है तो ऑब्वियसली उसको वो पढ़ नहीं पाएगा। जब पढ़ नहीं पाएगा तो जो चीजों को वो पढ़ेगा उन्हीं चीजों को वो लिखेगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो रीडिंग में आती है। रीडिंग में भी हम ये देखते हैं कि कहीं पे वो जो है चीजों को ऐड कर दे रहे हैं, कहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, कहीं पे ओमिट कर दे रहे हैं, पूरा पूरा सेंटेंस ही जो है वो पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं पे कोई वर्ड्स को जो है ओमिट कर दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को जो है हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ओरल रीडिंग की बात करते हैं, जब हम लोग इनका टेस्ट लेते हैं तो ओरल रीडिंग की बात है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात है, वर्ड रिकॉग्निशन की बात होती है, तो इस तरीके की ये चीजें जो है इनकी देख यहाँ पे ये डिफिकल्टीज बेसिकली देखने को ज्यादा करके मिलती हैं हम लोगों को। चीजें समझ नहीं आ रही है, मतलब क्या है इसका, ये चीजें जो है क्या मुझे समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, फिर से बता दीजिए, वो चीजें बार 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 कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती। वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना इनके लिए सबसे टेढ़ी खीर होती है कि ये धा है, ये घ है, ये भ है, ये चीजों को जो है वो रिकॉग्नाइज करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। जब ये वर्ड्स को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आगे अगर कहीं पे भालू लिखा है तो उसको वो बालू पढ़ रहे हैं, तो ये बा को वा पढ़ रहे हैं, विशाल लिखा है उसको विशाल पढ़ रहे हैं, वा को बा को वा, तो इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को यहाँ पे जो है वो मिलती हैं। रिटन लैंग्वेज में डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है या नहीं? समझ रही है मैम। पार्टिसिपेंट्स को ये चीजें क्लियर हैं? यस मैम, मैम क्लियर है। ठीक ठीक, कहीं पे अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो प्लीज आप वहां पे पूछ सकते हो। कभी ऐसे बच्चों से वास्ता पड़ा है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ में आप लोगों का? यस मैम। किस टाइप के? मैम वो बी को डी बना रहा था एक्चुअली में बच्चा। बार बार यस बी को डी, बी एक्चुअली बना वो बी रहा था, ठीक है, लेकिन जैसा कि हम लोगों के अल्फाबेट्स में होता है कि अगर हमने इधर से बना दिया तो वो डी बन गया और इधर से बनाया तो वो बी बन गया, तो बना वो बी रहा है अपनी तरफ से, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मिरर इमेज वाली बात आ जाती है यहाँ पे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है।
ठीक है, तो यहाँ पे इनकी पुअर हैंड राइटिंग हो सकती है, बिल्कुल शैबी, इतना पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है, पूरा पेज से कोई मतलब नहीं है, जहां पे वो लिख रहे हैं इतना छोटा छोटा और मिला मिला करके इतना गंदा 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 सा पूरी, मतलब कहीं कोई स्पेसिंग आपको नजर नहीं आएगी, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, छोटा छोटा लिख रहे हैं या इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं एक यूजर उससे जो है कि एक लाइन में आपका पूरा पूरा एक एक वर्ड आ जा रहा है, ठीक है, दो चार वर्ड ही आ रहे हैं, इस तरीके का पुअर हैंड राइटिंग, या उनको अगर टी बनाना है तो टी बिल्कुल नीचे लटक गया, या उनको एल बनाना है तो एल बिल्कुल ऊपर से आ गया, टी की जगह से आ गया, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी जो है वो देखने को मिलती है। साथ साथ में उनको जो है राइटिंग की अगर मैकेनिज्म्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी कि ग्रामेटिकली अगर आप ये बात देखो तो उसको समझ नहीं आता है कि कौन साफ कर रहा था, कौन घर साफ कर रहा था, तो राजू की माँ घर साफ कर रही थी, माँ घर राजू साफ कर रहा था, तो इस तरीके से उसको सेंटेंस फॉर्मेशन जो है उनको क्लियर नहीं होता है, जबकि इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं वहां पे हम लोग बोलते हैं कि वहीं पे केवल तुम्हें लिखना है, बाकी सब जगह नहीं लिखना है, लेकिन वो चीजें जब वो लिखते हैं खुद में लिखते हैं तब वो चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाती हैं, कहाँ पे कैपिटल लेटर लगाना है या कहाँ पे स्मॉल करना है वो चीजें उनको क्लियर, बीच पे कहीं पे भी कैपिटल लगा दिया लेटर को, कहीं पे भी स्मॉल कर दिया, जहां कैपिटल चाहिए आगरा लिखना है तो आगरा स्मॉल से आगरा हो गया, वो प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा करके देखने को मिलते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक यानी मात्राओं का स्पेलिंग्स का मिस्टेक देखने को मिलेगा, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या सेंटेंस फॉर्म कर जब करते हैं तब भी प्रॉब्लम होता है, और कभी कभी चीजें प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है तो प्रोजेक्ट बनाने में जो है वो चीटिंग बोलो, या आजकल गूगल बाबा ने तो सबको चीटिंग सिखा दी है, कुछ भी दिया गया उसको उन्होंने वहां से कॉपी किया और सीधा गूगल पे जाकर के पेस्ट कर दिया, जो भी कुछ आ गया उसको उन्होंने कॉपी किया और अपने पीपीटी में जो है एक बना करके डाल दिया, उसमें भी जीके में साइंस का प्रोजेक्ट सबमिट हो गया या साइंस में किसी और का प्रोजेक्ट सबमिट हो गया, ये भी चीप प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं। बोला गया है टू लाइंस का जो है आंसर करना है, टू लाइंस में केवल वन वर्ड आंसर करके खत्म कर दिया उसको, इस तरीके के चीजें भी जो है वो लैंग्वेज राइटिंग से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को कई बार मिलती है। मेमोरी की, ऑब्वियसली मेमोरी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मेमोरी की ही आती है, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप अच्छी तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे हो तो वो प्रॉब्लम्स आते हैं। दे ऑफन फॉरगेट होमवर्क असाइनमेंट्स, काम किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, भूल गए, या थोड़े बड़े हो जाते हैं, आप बार बार भूलना बार बार कहना नहीं अच्छा लगता तो क्या करते हैं, मैम ये कर रहे थे, मैम वो अपने फ्रेंड आ गया था, ये हो गया वो हो गया, कुछ कुछ मैनिपुलेशंस भी जो है वो स्टार्ट हो जाते, नेम है, एड्रेस है, डायरेक्शंस है, ये राइट लेफ्ट ये चीजें जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है मेमोरी के बिना आप उसको रिटेन नहीं कर सकते हो, रिटेन के लिए हम लोग बार बार यही बोलते हैं जो मेमोरी को इंक्रीज करने वाली जो चीजें होती हैं, जो मेमोरी को इंक्रीज एनहांस करने वाली जो चीजें होती हैं वो चीजें जो हैं वो नहीं उनके लिए हम यूज करें तो शायद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, कि रिहर्सल कर रहे हैं बार बार वो चीज के प्रैक्टिस कर रहे हैं, एलेबरेट कर रहे हैं वो चीजों को, जैसे मैंने उनको बोला कि भाई जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो जो बड़ी वाली जो डिजिट होती है वो हमेशा ऊपर होती है
और नीचे वाली जो हमेशा छोटी होती है, उसी से आपको उसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब उसको सिखाने के लिए, उनको एलेबरेट करने के लिए मैंने बोला देखो ये मेरा हाथ है और मैं तुमको ये टॉफी दे रही हूँ, चलो तो अपना हाथ रखो। उसने तुरंत नीचे हाथ किया, ऑब्वियसली जैसे नीचे, तो मैंने कहा मेरे पास है ना ये चीज तो ऐसे ही तो देंगे, अब 64 में से तो 60 जा सकता है, लेकिन अब एक काम करते हैं अब तुम मुझे चीज को दो। तो मैंने ऐसे ही हाथ को अपना रखा जैसे मेरा था, मैंने कहा अब तुम मुझे दो, कैसे दे सकते हो मैम, ऐसे करिए ना अपना हाथ पहले तब तो मैं दूंगा। मैंने कहा देखो यहाँ पे भी यही चीज आती है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल वे में उनको करवा करके इस तरीके से हम लोग अगर करते हैं तो वो बेटर हो जाता है, थोड़ा सा वो मेमोरी में चीजें जो है एलैबोरेट हो जाती है, प्रैक्टिस हम उनके प्रैक्टिकली प्रैक्टिस हम उनको जो है वो कर ले जाते हैं। इंफॉर्मेशन को रिपीट करने में, रीड करने में प्रॉब्लम आता है इनको, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो देखो जो भी एकेडमिक वर्क है, सिंपल सी बात है, जो कॉग्निशन से रिलेटेड जो एकेडमिक वर्क है वो सबसे ज्यादा हमारी मेमोरी स्किल के ऊपर ही डिपेंड करता है। और यही डिपेंडेंस जो है जब मेमोरी में ही चीजें जो है वो कायदे से फीट नहीं होती हैं तो हम ऑब्वियसली उनको स्टोर नहीं कर पाते हैं, और जब स्टोर नहीं कर पाते हैं तो हम जब जो चीज हमारे पास है ही नहीं, स्टोर में है ही नहीं, तो कैसे आपको जो है वो मिल सकती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में प्रॉब्लम आती है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में प्रॉब्लम आती है, बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई भी पीरियड है वो निकला चला जा रहा है, नो प्रॉब्लम, वो आराम से इधर उधर रोमिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको ये जैसे कहते हैं ना कि चिंता नहीं है कि मेरा ये क्लास स्टार्ट हो चुका है तो मुझे इस क्लास में अब जाना है, ऑर्गेनाइज कराने की बात यहाँ पे। किसी भी चीज को ले लिया और एक पेन ले लिया और उसपे एक कागज की कोई एक मोटे से कागज की थोड़ी सी स्ट्रिप थी, मैं हैंड पेन बना रहा हूँ अपने लिए, उसपे आपको काम दिया गया है, आपको असेसमेंट कराया जा रहा है, आपको बोला गया है कि देखो इस 1 आवर के लिए आपको दिया गया है, इसी 1 आवर में आपको कंप्लीट करना है, तो वो आराम से पहले उसको छोड़ दिया, जिसमें इंटरेस्ट है हम उस काम को कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। पुअर डिसीजंस की बात होती है, पहले हमें कौन सा काम करना है, बाद में हमें कौन सा काम करना है, वो चीजें इनको क्लियर नहीं होती। जैसे हम लोग हैं अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, पहले हमें ये काम को करना है फिर हमें ये काम को करना है, यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते हैं इन बच्चों में, तो थिंकिंग में प्रॉब्लम आती है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आता है कि अगर आप उस सीट से उठा करके इस सीट पे उनको बिठा दीजिए, वहां नहीं बैठोगे तुम लोग बहुत बातें करते हो, इधर बैठो आ करके, तो थोड़ी देर के बाद फिर वो उसी सीट पे जाकर के बैठ जाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं चेंजेस को। दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया, हम सब तो मैम एक ही उसमें सेक्शन में रहेंगे, हम उस वाले सेक्शन में नहीं जाएंगे, ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस किया गया है वर्बल रिस्पॉन्सेस में, हाँ बताओ बताओ भाई मालूम है ना तुमको, हाँ बोलो, नहीं, डिले हो जाता है वर्बल रिस्पॉन्सेस, अगर उनको पता भी है कोई चीजों की उसमें भी वो डिले कर देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को स्टार्ट करने में कोई कोई तो इतने टॉकेटिव होते हैं कि आते ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई जो है इसमें हर तरीके के आपको बच्चा मिलेगा वो बात को इनिशिएट ही नहीं करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास में दे फेस ट्रबल Using learn information in a new situation की बात है, adaptation की यहाँ पे बात आती है, ठीक है। तो ये कोई भी चीज उनको पता है, हाँ ये चीज तो, हाँ ये मैम ऐसे होना था, ये तो हमको आता था, मैंने कहा क्यों नहीं किया फिर, उन मैम ने बताया नहीं, मीनिंग दूसरे क्लास में या न्यू सिचुएशन में जो चीजें लर्न थी उस चीज को भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते, ट्रबल होती है उनको, प्रॉब्लम्स होते हैं।
सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, जो भी इनको थोड़ी बहुत आप अगर क्लू भी दे दे रहे हैं तो भी वो चीज को वो नहीं कर पाते हैं, यानी कि परफॉर्म उस चीज क्लू को लेकर के भी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता है कि मिस इंटरप्रेट कर देते हैं दूसरों की फीलिंग्स को। जैसे एक बच्चे ने जो है एक दूसरे बच्चे की हेल्प करी और उसने बोला कि देखो मैं तुमको, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे पैसे दोगे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या किया उस बच्चे ने कि उसने लिख दिया अपनी असेसमेंट के पेपर में, आई विल गिव यू 10 रुपीज, जहां की कोई मतलब नहीं था। तो एक दूसरे टीचर के पास वो चेक होने के लिए गया, मैम देखिए इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कहा ये तो नहीं लिख सकता ये चीज को, आई विल गिव यू 10 रुपीज, उसका कुछ मीनिंग दूसरा होगा। जब पूछा गया, बात को बहुत अंदर तक गए, तब पता लगा कि उन्होंने उनकी हेल्प करी थी, तो उसने बोला मैं तुम्हें 10 रुपीज दूंगा, तुमने मेरी हेल्प करी है। तो इस तरीके की चीजें कि दूसरों की क्या फीलिंग्स चल रही है, दूसरों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ये दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीजों को असेस नहीं कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। दूसरों को, उनको पता भी नहीं लगता है कि दूसरों को वो परेशान कर रहे हैं, कि जैसे होता है कई बार कि हम कुछ काम कर रहे हैं, जरूरी काम कर रहे हैं, और बीच में आ करके अपनी 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 बातें बताना, अपने हॉस्टल की बातें बताना, ये करना वो करना, अच्छा ठीक है बाद में कि वो चीजें कि आप बॉदर कर रहे हो, दूसरे को परेशान कर रहे हो, वो चीजें उनको क्लियर नहीं होती है। मोटिवेशन ऑब्वियसली जब चीजें नहीं अच्छे से हो पाती हैं, सक्सेस उतना नहीं मिल पाता है, सिचुएशन को हैंडल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, हाँ जिस चीज में उनको बहुत इंटरेस्ट है, पीटी में है, म्यूजिक में है, डांस में है, इंटरेस्ट है उसमें तो ठीक है, लेकिन जिन चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, इनएक्टिव बने रहेंगे। उसको काम कर लिया, अच्छा ठीक है अब तुम सो रहे हो क्लास में, नहीं सोना नहीं है, चलो अच्छा इसको नहीं आता है तुम इसके साथ में लग करके इसको पढ़ाओ, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी है उस बच्चे में। तो इस तरीके से उनको इंगेज करने की, इस तरीके से उनको जो है जब वो इनएक्टिव हो रहे हैं तो उनको एक्टिव करने की यहाँ पे जरूरत होती है, लेकिन बहुत जल्दी इनएक्टिव हो जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत। इतनी चीजें क्लियर है आपको, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे या क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें डिस्लेक्सिया की बात है, डिसग्राफिया की बात है, डिसकैल्कुलिया की बात है और डिस्प्रेक्सिया की बात है। ये आई थिंक सभी लोगों ने सुने होंगे नाम को। इसमें अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको फर्स्ट फोटो आपको नजर आ रही है, बताओ मुझे ये किससे रिलेटेड आ रही है, ये क्या है? डिस्ग्राफिया। डिसग्राफिया, वेरी गुड। क्या है हो रहा है इसमें, क्या नजर आ रहा है इसमें? मैम, अ चाइल्ड इज फेसिंग विद अ चाइल्ड इज फेसिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग। इन राइटिंग, एंड यू कैन सी हाउ ही इज होल्डिंग हिज पेन, इट्स अ पिक्यूलियर टाइप ऑफ होल्डिंग, है ना मैम? प्रॉब्लम इन ग्रिप आल्सो। यस, प्रॉब्लम इन ग्रिप आल्सो। जैसे हम लोग जो पकड़ते हैं वो उस तरीके से नहीं पकड़े हुए हैं, यहाँ पे वो एक डिफरेंट तरीके से पकड़े हुए। और जब ऑब्वियसली जब आप इस तरीके से पेन को पकड़ते हो तो आपकी राइटिंग पे भी उसका जो है वो
इफेक्ट जाता है, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से पेन को होल्ड करना यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे पेन को या तो बहुत ज्यादा पेंसिल को इतना जिसे पूरा प्रेस करके बच्चे लिखते हैं कि दूसरे पेज पे आपके लिखने के लिख नहीं सकते हो, इतना डार्क बना करके और मुश्किल से 3 या 4 लाइंस बिस्करी लिख लें और उसके बाद तुरंत उनकी जो पेंसिल की निब होती है वो टूट जाती है। इस तरीके की चीजें जो है डिस्ग्राफिया में नजर आती हैं। डिस्कैल्कुलिया में अगर हम ये देख रहे हैं 2 × 5 = 5, यहाँ पे 2 × 2 = 5 की यहाँ पे बात आती है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो डिस्कैल्कुलिया में नजर आती हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो डिस्कैल्कुलिया में बच्चा जो है वो कर रहा है, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन जो उसके उसकी रिसीविंग जो चल रही है, उसके माइंड में जो रिसीविंग चल रही है वो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जो है वो रिवर्स में बना हुआ है, 3 की भी अलग से डिजाइनिंग है और 1 भी इधर उधर बना हुआ है। इसी तरीके से जब आप टेबल यहाँ पे प्लस का साइंस को आप यहाँ पे एडिशन को आप यहाँ पे देख रहे हो तो वो भी कायदे से नहीं बना हुआ है, यहाँ पे 3 रिवर्स में बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जब आपकी होंगी तो ऑब्वियसली आप जो है उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो। ओके, डिस्प्रेक्सिया की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये मोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजें होती हैं कि बच्चा जो है वो चल रहा है सीढ़ियों पे, कहीं पे भी पैर जा रहा है, चीजें उसकी ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, बैग गिरा चला जा रहा है, तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो देखने को यहाँ पे हमें मिलती हैं डिस्प्रेक्सिया में। डिस्लेक्सिया की अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लेटर्स और साउंड्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो नजर आती है। क्या हम बोल रहे हैं, फोनेटिक्स की हम अगर बात कर रहे हैं, क्या हम लिख रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ये चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा क्या कह रहा है, फेलियर टू फुल्ली अंडरस्टैंड वॉट अदर्स आर सेइंग, बट दूसरा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो चीज को वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, लिखे और बोले जाने वाली जो लैंग्वेज होती है उसको वो कायदे से ऑर्गेनाइज वे में उसको नहीं समझ पाते हैं कि उसको लिखा हुआ है जया, जया लिखा हुआ है, आप उनको अगर आप बोलते हो तो JYA ज या, ठीक इतना समझ में आया, JAYA उनको समझ में नहीं आता है, DH उनको क्लियर नहीं होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको साथ में देखने को मिलती है। डिलेट एबिलिटी टू स्पीक की बात होती है, जब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है कायदे के साथ में तो ऑब्वियसली वहां पे जो है ये इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलती है। पुअर सेल्फ एक्सप्रेशंस की यहाँ पे बात आती है कि जो बोला जा रहा है उसके अलग से वो कुछ भी बोल सकते हैं, उस चीज को ना बोल करके वो उसको अलग से ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसको, ऑमिट कर सकते हैं उसको, तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनके वो सही नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको क्लियर नहीं होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, इन दोनों चीजों में काफी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में न्यू वोकैबुलरी अगर आप
कोई कोई चीज को आप बताना चाह रहे हो, कोई चीज को पढ़ा रहे हो आप यहाँ पे, तो ये चीज उनके लिए डिफिकल्ट होती है उस चीज को लर्न करना। जो कुछ भी पहले से सुनते आ रहे हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आती है कि जब जैसे जैसे बच्चे थोड़े से हायर क्लास में जाने लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अपने आप में इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि न्यू वोकैबुलरी उसमें जो है एड ऑन करना उनके बस की बात नहीं होती है, मुश्किल होता है उनके लिए। ठीक है, इसी तरीके से फॉरेन लैंग्वेजेस को भी उनको लर्न करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जो ये एलडी वाले बच्चे होते हैं इनके लिए उर्दू है या संस्कृत है या फ्रेंच है या जर्मन लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, थर्ड लैंग्वेज जो उनको बोला जाता है, इन लैंग्वेजेस को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो यहाँ पे एसईएससी बोर्ड में तो ये चीजें और इवन सीबीएसई बोर्ड में भी ये चीजें जो है एग्जेम्प्टेड है कि अगर बच्चा वाकई में ले नहीं चाहता है अपनी खुशी से उस तो उस अलग बात है, अदरवाइज अगर वो एलडी का बच्चा जो है डायग्नोस हो गया है तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस से। स्लो रीडिंग की बात आती है, ऑब्वियसली जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है कि क्या लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ पा रहा है वो, तो वो टाइम तो लेगा ही लेगा तो यहाँ पे, और कई बार बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं तो फिर वो खुद ही फेडअप हो जाते हैं और छोड़ देते हैं उसको चीज को पढ़ना, और या बहुत ज्यादा वो मिस्टेक्स करने लग जाते हैं। अगर ज्यादा टाइम हो जाता है एक चीज को पढ़ते हुए वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर वो जो है उस चीज को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं हमेशा। आप क्या बोल रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो या क्या डायरेक्शंस को फॉलो करना है, ये चीजों को समझ करके उसका आंसर करना ये इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पुअर स्पेलिंग्स की बात होती है, अगर आप पूछ रहे हो तो भी वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, ओरल में भी अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग नंबर्स इन सीक्वेंस की बात आती है, सीक्वेंस में अगर कोई नंबर है उसको याद रखना कि इनका पर्सनल नंबर क्या है, तो वो चीज को उनको लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छे से उनको लर्न बार 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 करके करवाने की जरूरत होती है, उनको लगता है कि अरे मेरे को लर्न हो गया, अरे अब मैम आपका मुझे फोन नंबर अच्छे से लर्न हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो दोबारा जब आप पूछते हो नहीं ये तो लर्न नहीं हुआ, अच्छा नीचे से देख करके आना आज का क्या टाइम टेबल है, क्योंकि वो टाइम टेबल ऑब्वियसली वो सीक्वेंस में होता है। तो शुरुआत के तो 3 या 4 पीरियड्स तक का उनको याद रहा, लेकिन 5th to 7th या 8th पीरियड तक का उनको फिर वो चीजें लर्न नहीं हो पाती है, तो फिर वो जाते हैं फिर से, अच्छा आपकी बार केवल 5 to 7 तक का या 8 तक का ही देख करके आना, तब धीरे धीरे करके वो चीजें लर्न होती है। तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेफ्ट राइट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि आपको लेफ्ट वाले रूम में जाना है या राइट वाले रूम में जाना है, ये चीजें जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो डिसलेक्सिया के जो बच्चे होते हैं इस तरीके की करेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। डिसग्राफिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों में जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो राइटिंग से रिलेटेड आती है, पुअर हैंड राइटिंग की यहाँ पे बात आती है। ठीक है, कई बार इतनी शैबी होती है और या कई बार जो है वो इवन जो भी बच्चा जो लिख रहा है वो बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है या कोई बच्चा बहुत छोटा छोटा लिख रहा है, या एक चीज और भी देखने को आती है कि आप बोलते हो कि जब आपको कोई भी नंबर्स को आपको करवाना है उसके नीचे ही वो नंबर होना चाहिए, सपोज एडिशन करा रहे हो सब्ट्रैक्शन करा रहे हो तो उस नंबर के नीचे वो नंबर होना चाहिए, वो चीजें ये नहीं लिखते हैं, उसको अवॉइड करते हैं ये चीजों को लिखने में। तो इस तरीके की चीजें भी इन बच्चों में देखने को आती हैं कि 5 कहीं लिखा 6 कहीं लिखा
या 64 ऊपर लिखा और सॉरी 60 ऊपर लिखा 64 नीचे लिखा, इस तरीके की चीजें जो है वो कई बार देखने को मिले। और उसमें से वो मजे की बात कि उसमें से उसको माइनस भी कर लेते हैं, 60 में से 64 भी माइनस हो जाता है। उधर लिख करके 3 लिखना है, 3 वनजा 3 लिखना है और ऊपर 3 फाइवजा, और नीचे अगर 5 लिखा है तो नीचे भी 5 आ गया। इस तरीके की चीजें भी कई बार देखने को मिल जाती हैं। कई बार होता है लिखने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, कोई भी चीज को लिखना है। मैम हम ओरल सुना दें, हम बता देते हैं, हमें हमें याद है, हम सब कुछ बता सकते हैं, हम राइट ले, हमने लिखेंगे नहीं ड्राइंग में, नहीं हम हम हमसे तो ये बनेगा ही नहीं, ड्राइंग हमसे नहीं होगी, हमारा तो अच्छा बनता ही नहीं है, या बनाएंगे भी तो कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बना देंगे, कलरिंग कर देंगे। कलरिंग में अगर माइक्रो डिप पेन से उनको स्टिपलिंग वगैरह करनी है या कुछ और कलर करना है, दैट इज ओके। लेकिन अगर बोलोगे कि राइटिंग इसके बारे में लिखो कि ये तुमने वेजिटेबल स्टॉल वाले में तुमने कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगाई है, नहीं वो लिखना उनके लिए मुश्किल होता है। इवन साइकोलॉजी में भी जो है, जब आप बच्चे की टेस्टिंग करते हो, TAT वगैरह करते हो, तो भी वो राइटिंग मीन्स उसमें जो कार्ड्स को दिखा करके हम लोगों को उनको लिखवाना होता है कि भाई स्टोरी राइटिंग करो, वो चीज को वो नहीं करना चाहते। अब हम लोगों ने एक नया उसके लिए आइडिया निकाला है कि अभी ठीक है तुम जो कुछ भी बोल रहे हो उसको तुम टेपिंग टेप कर दो, कि हम भी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आपका आपके आइडियाज भी उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, अच्छा ये तो ये गलत हो जाता है। बेटर है कि अच्छा ठीक है तुम ओरली बता दो कि क्या क्या तुम बोलना चाह रहे हो उसके बारे में। ये चीज को प्रॉब्लम्स विद ग्रामर की बात होती है कि ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं इन लोगों की, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जिसमें भी आप बात करो, ठीक है। अपने आइडियाज कि भालू क्यों गुस्सा हो गया, तो जो उन्होंने स्टोरी पढ़ी थी वो स्टोरी कि मदारी का बार डमरू टूट गया, भालू भाई रूट गया, हम ये लिखते हैं। मैंने कहा नहीं, पूरा तुमको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या है ये एग्जैक्टली बताओ, क्यों भालू क्यों रूठ गया उसके बारे में लिखो। तो यहाँ पे आइडिया है उनको, पता है, लेकिन उसको वो अपनी राइटिंग में या अपने उसको जो है पेन डाउन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्विक लॉस ऑफ एनर्जी इंटरेस्ट, यहाँ पे जब राइटिंग नहीं अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली वो अपनी एनर्जी को जो है वो लॉस कर जाते हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जब ये चीज वैसा वैसा होती है, जब वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपको उनको जो है वो इंटरेस्ट उसमें जो है वो या उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उसको जागृत करना पड़ता है। लेकिन कई बार होता है कि भाई इतने क्लास में बच्चे होते हैं तो आप दूसरे बच्चों के उस पर आप चले जाते दिक्कत होती है। लॉजिकल सीक्वेंस में उनके थॉट्स को अपने जो है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो है वो नहीं दे पाते कि खरगोश के और इसकी बहस हुई, इसमें जो है खरगोश, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो इस तरीके से राइटिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, लॉजिकल सीक्वेंस में वो चीजों को नहीं दे पाते। स्टोरी सुनी हुई है, 10 बार सुनी हुई है, लेकिन फिर भी उसको वो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं दे पाते। और एक चीज और भी देखने को आती है कि जब वो राइटिंग वर्क कर रहे होते हैं तब वो खूब जो से बोल करके उस, भले ही वो गलत लिख रहे हैं लेकिन वो बोल बोल करके उसको अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करते। मीरा की नानी बहुत भली थी, जोर जोर से। तो इस तरीके से जब भी वो लिख रहे हैं या मैथमेटिक्स का इवन काम कर रहे हैं तो भी वो जो है 4 1 4 4 2 8 ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। कई बार होता है अनफिनिश्ड चीजों को छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं,
ठीक है, जब सेंटेंसेस लिखते हैं तो वर्ड्स छोड़ देते हैं, कुछ भी इस तरीके से कहीं कहीं पे वर्ड्स को छोड़ देते हैं, कहीं पूरा पूरा सेंटेंस छोड़ देते हैं, इस तरीके की चीजें जो है वो बिना पढ़े हुए कई बार वो ऐसे कई बार होता है कि जैसे स्केच पेन अगर आप मंगा रहे हो तो केवल उन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ, स्केचर लिखा हुआ है, तो स्केचर को उन्होंने स्केच पेन से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया कि उसकी जगह पे ये चीज को उसमें डाल दिया। तो इस तरीके से कि केवल आगे का वर्ड पढ़ा, पीछे का पूरा छोड़ दिया, तो जल्दी से पढ़ करके वो चीजें जो है वो भी दिक्कत इसमें कर जाती है। डिसकैल्कुलिया की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक अर्थमेटिक के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझने में सबसे ज्यादा इन बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें अगर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं तो प्री मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स के, छोटा बड़ा लंबा ऊंचा नीचा मोटा पतला, ये चीजों के हम बात कर रहे हैं। या इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस की बात करते हैं कि ये प्लस का साइन है या माइनस का है या मल्टीप्लाई का है या डिवीजन का है, ये साइन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये इनमें सबसे पहले इनको दिक्कत आती है, ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो ऐसा क्रॉस बना हुआ है, इसमें क्या करना होगा, तो आप बताते हो कि यहाँ पे देखो यहाँ मल्टीप्लाई इसको करना होता है। अच्छा ठीक, फिर कर लिया। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी विद मैथ रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है उनको कि यहाँ पे जो है कितनी कार थी, उन कार में कितने व्हील्स थे, ये चीजों को। और फिर ठीक है, उन्होंने उनको बता दिया कि देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिक्स कार्स हैं, सिक्स कार्स में देखो एक कार में कितने व्हील्स हैं, फोर व्हील्स हैं, तो सिक्स कार्स में कितने व्हील हुए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये समझ में आ गया, एक से एक के दो समझाए, इतना सब फोर फाइव सम्स करके ले आए। क्या किया उन्होंने, केवल वन नंबर डाला और मल्टीप्लाई किया जो भी डिजिट्स थी, सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, इस तरीके से करके वो लेके आ गया। कोई उसमें जैसे उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा जो है एक स्टेटमेंट दिया जाता है, आंसर जब आप लिखते हैं तो स्टेटमेंट लिया जाता है, वो स्टेटमेंट मिस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जब कैश को ट्रांजेक्शन करना होता है कि 5 रुपीज में कितने आपके जो है पैसे आएंगे या 5 रुपीज की चेंज हमें चाहिए, तो वो चीजों में प्रॉब्लम आती है। पेपर पे काफी काटा तो बहुत गंदी तरीके से काटा, या एक साथ में सारे करते चले गए, नीचे का पूरा प्लेन ब्लैंक जो है छोड़ दिया, पेज ब्लैंक छोड़ दिया। तो इस स्टेप्स को फॉलो करने में, स्टेप्स में अगर डिवीजन आप करा रहे हो तो उनको बताया कि भाई देखो यहाँ पे इसको ऐसे करके जैसे ए बनाते हैं इस तरीके से करना है, लेकिन हमेशा जो उनका क्वेश्चन होता है उसको हमेशा वो छोड़ देते हैं। डिवीजर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे वो क्वेश्चन, जब टेबल पढ़ते हो तो वो क्वेश्चन को हमेशा छोड़ देते हो, ऊपर का छोड़ दिया तो ऑब्वियसली आपका स्टेप्स गड़बड़ हो गए। कहीं पे आता है उनको, डिवीजन पे हम तभी पहुंचेंगे जब हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन जानते होंगे, मल्टीप्लीकेशन जानते होंगे, तभी हम डिवीजन को कराएंगे, लेकिन आते हुई चीज को भी वो गड़बड़ कर देते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है कई बार देखने को यहाँ पे मिलती हैं। क्या सीक्वेंस है किसी भी चीज का, वर्बली आप कैसे जो है वो उसको करते हो, डिफिकल्टी विद वर्बली डिस्क्राइबिंग मैथ प्रोसेसेस को, आप यहाँ पे मैथ्स के प्रोसेस को आप जो है डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके बावजूद भी उनको जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आती ही आती हैं। 10 बार आपने ब्लैक बोर्ड पे, 10 बार आपने जो है उनके कॉपीज पे सब करा दिया, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम्स इस चीजों को फेस वो करते हैं, डिस्कैल्कुलिया में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन यहाँ पे बात वही है कि आपने सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करने के बावजूद भी अगर बच्चे जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तभी वो डिस्कैल्कुलिया का है, अदरवाइज वो नहीं है।
डिस्प्रेक्सिया की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मोटर टास्क करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बच्चा चल रहा है तो दरवाजे से टकरा गया, सामान उठाया तो पूरा बैग उसका गिर गया। आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। ऑब्वियसली जब आई हैंड कोऑर्डिनेशन में है तो वो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करती ही करती है। ठीक है, चीजें तोड़ देना, टूट जाना, इस तरीके की, जैसे कभी खुशी कभी गम में था ना, शायद देखा ध्यान होगा शायद, तो कि वो जब सॉरी करने के लिए काजोल आती है तो इधर टकराई उधर टकराई, इस तरीके की चीजें जो उस समय, तो खैर वो पिक्चर है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो डिस्प्रेक्सिया की कोई पेशेंट है, ये नहीं है, मीन्स वो जो सीन इस तरीके से क्रिएट किया गया था। ठीक है, कलरिंग में लाइंस में के अंदर में वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है तो जैसे आजकल होता है ना कि मोबाइल देखते जा रहे हैं और खाना खाते जा रहे हैं, तो जब खाना खा रहे हैं तो कई बार होता है ना कि मुंह में ही जाने के बजाय कभी कभी इधर उधर भी लग जाता है, तो वो चीजें पुअर बैलेंसिंग की बात है। अगर एक पैर पे थोड़ी देर खड़े रहने को बोलो या पीटी करने को बोलो तो वो प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। सेंसिटिविटी इन बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। रिपीटेटिव नॉइजेस की यहाँ पे बात आती है, जैसे कभी कभी तो इतना चीखेंगे चिल्लाएंगे, और कभी अगर क्लॉक का भी टिकिंग वाली आवाज आ रही है तो भी उनको जो है वो टिक 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 भी उनको इरिटेट करने लग जाती है। कभी टच के से भी इरिटेशन होता है। कोई कोई बच्चों में जो है हम शू लेसेस को नहीं बांधेंगे, वो शू लेसेस हमेशा उनके हमें ओपन दिखेंगे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। तो ये टाइप्स थे। अभी हम लोग अगर बात कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ एसएलडी की, अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भी स्कूल में सबसे पहले जो बच्चे हैं जब आप स्कूल भेजते हो उनको, तभी वहां पे जो है हमें एसएलडी के प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं से ये चीजें जो है वो डायग्नोस होना स्टार्ट होती हैं। बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि घर में तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं इस तरीके की। घर में अगर बच्चा बहुत टकरा रहा है इधर से, अरे कोई बात नहीं, अरे बहुत हाइपर है, ये है वो है, बच्चा है वो चीजों को, लेकिन यहाँ पे जब दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तब ये चीजें जो है नोटिस में आती हैं बेसिकली। तो साइकेट्रिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की बात करें, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो ये यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्टिंग, क्लासरूम परफॉर्मेंस, सोशल इंटरेक्शन। कैन आई टॉक टू मिस्टर नागेश सर? हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर नागेश सर? हु इज स्पीकिंग? हेलो मैम, वी हैव अनदर वर्कशॉप, वी आर रेडी फॉर दैट, द टाइम इज ओवर, इट्स ऑलरेडी 25 मैम, एंड दिस वर्कशॉप इज ऑन 3 to 4 o'clock. यस ओनली, बट वी आर रेडी फॉर द अनदर, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. Just and so please send the link. So also we are already late for the next workshop. If you want to, you may leave. You may leave. Okay. Na, mama, I don't want to leave. कि मैं 3 o'clock से मैं session attend कर रही हूँ और अभी मैं feedback भरे भी ना, कैसे link मैम मैं छोड़ सकती हूँ उसको, आप बताइए. Okay. You can attend that workshop also. Both of them. I have a 4:10 from 4:10 I have a workshop and I am already late. And this is from my school workshop. Okay. Sabita. तो बहुत खुश हो गए बेचारे. Sabita. नहीं आना पड़ेगा. Hello. जी मैम. ये काम क्या है? एक काम करते हैं. अगर आप करना चाहो तो इनको share कर लीजिए आप अपना feedback form. Yeah मैम. Thank you so much मैम. Feedback form का link share कर दो. क्योंकि मेरा बस अभी 5 minutes में मैं इसको wind up कर रही हूँ. तो यहाँ पे बात होती है कि इसको तो करते ही करते हैं, साथ में परसेप्शन है, कॉग्निशन है, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज एबिलिटीज, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें
असेस करने की यहाँ पे जरूरत होती ही है। और साथ साथ में जब हम एलडी के जो भी टेस्ट करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले डालती हूं वर्ब और फिर ये सारी बात, इसमें रीडिंग है, वर्ड रिकॉग्निशन है, फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, टास्क मेक, अटेम्प्ट टू कंप्लीट एंड चलिए मैं कंप्लीट करा, ये सारी चीजों को जो है वो असेस किया जाता है। सारे इंटरवेंशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सवाल कौन से ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अदर डिसेबिलिटीज है इसको क्या हम क्योर नहीं कर सकते, सिमिलरली हम लर्निंग डिसेबिलिटी को भी क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ अगर असाइनमेंट दे रहे हैं तो हमें उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स जो है वो सोचने की जरूरत होती है। बच्चा लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, हम उसका ओरल टेस्ट ले सकते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है, टेप हम कर सकते हैं, बुक्स को हम टेप कर सकते हैं, ठीक है, टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, बच्चे को जो भी स्टूडेंट है उसको हम रीड आउट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन पेपर है, ताकि वो आसानी के साथ में जो है वो चीजों को कर सके, ठीक है। तो ये हम लोगों का आज का पूरा ये सेशन था, इसमें अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन पुट अप करना है किसी को? हेलो, व्हाट इज योर नेम? हेलो 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 यस गुड इवनिंग मैम, मैं शिखा बोल रही हूँ। मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे बच्चे को नंबर्स रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी होती है, तो वो किस में आएगा, कैलकुलेटर में आएगा या फिर डिस्लेक्सिया में आएगा? देखो यहाँ पे बात वही आ रही है, ये वैसे तो डिस्कैल्कुलिया में आएगा क्योंकि नंबर से रिलेटेड है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि जो भी चीजें रिटन वर्क उनको दिया जा रहा है, राइटिंग में दिया जा रहा है, वो चीजों को वो अच्छी तरीके से परसीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें जो है, क्योंकि ये आप अगर बात करो कि कोई चीज को लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो जनरल साइंस में हो, चाहे वो सोशल स्टडीज में हो, हर जगह उसकी वो परफॉर्मेंस जो है वहां पे हमें उसमें डेफिसिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ये चीजों को हम ऐसा नहीं कर पाते हैं कि बिल्कुल हम अलग से उसको जो है ये प्योर डिस्कैल्कुलिया का ही ये चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे ये चीज ये देखने को मिलती है कि ठीक है, उसको राइटिंग में अगर हमने उसको वो रीड कर दिया, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको हमने रीड कर दिया, अब वो अगर उसको आसानी के साथ में कर ले रहा है, तब फिर वहां पे वो डिस्कैल्कुलिया का कैंडिडेट नहीं है। ओके ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे आईडी है, आईडी बच्चा है, तो आईडी के साथ एलडी एसोसिएट कंडीशन होती है? नहीं नहीं हो, देखो यहाँ पे ये कोई एलडी कोई एसोसिएट कंडीशन नहीं होती है। देखो आईडी में अगर हम बात करते हैं तो उनका तो कॉग्निटिव लेवल ही जो है वो कम रहता है, यानी कि आईक्यू लेवल उनका बिलो 70 ही रहता है ना, तो उसमें माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड जिस भी कैटेगरी में वो बच्चा आ जाता है वो चीज अलग हो जाती है यहाँ पे। लेकिन अगर आप एलडी की बात कर रहे हो तो एलडी में बच्चे का कॉग्निटिव लेवल जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो कम ही हो, लेकिन एसोसिएट कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो एसोसिएट कंडीशन में हम देखते हैं कि बच्चा एलडी वाला है, एलडी के साथ साथ में आईडी का भी है, जैसे सीपी में होता है ना कि सेकेंडरी कंडीशंस जो है वो सामने आ जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं बच्चे को, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो उसको हमें जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। आईडी में देखते हो कि
सारे के सारे जो चीजें हैं, यानी कि सोशल स्किल में भी, डोमेस्टिक में भी, बाकी सारी चीजों में भी उसको प्रॉब्लम आ रहा है, सब चीजों को डीले उसमें देखने को उसको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे बेसिकली जो देखने को मिलता है वो एकेडमिक में सबसे ज्यादा चीजें देखने को मिलती है, बाकी चीजों में आप देखते हो कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो हम आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। गुड इवनिंग मैम। यस गुड इवनिंग, एक्सक्यूज मैम, मैम कैन यू प्लीज टेल अबाउट एनी टूल्स एंड स्पेसिफिक टेक्निक्स टू डायग्नोज एलडी। Basically in India we are using GLAAD, actually grade level assessment device, but in okay. foreign countries we have so many tests. We can use achievement test, Stanford Binet scale for intelligence, and ways we can use it also. And ma'am, one more thing, how we can educate the rural people about LD, because they are not adapting these things as their child is disabled, like learning disability. They are thinking this is normal, their child will grow by time and it will be. Yes, it is very true. It is very difficult to aware about learning disability in rural people, actually. We can try to become the aware them. Okay, ma'am. Thank you so much. चलिए कार्यक्रम का अंत करते हैं। Excuse me, ma'am. एक question. Yes. Hello. Yes. ma'am, इसका assessment form हम कैसे करें बच्चों का? उसका कोई आपके पास form है क्या कि किस बच्चे का कैसे असेसमेंट करना है, उसका एक परफॉर्मा जो होता है? आपने ग्लैड देखा है? नो मैम। ग्लैड अगर आप देखते हो तो उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। देखो उसमें हम लोग जो हैं वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यही तीन चीजों को लेकर के चलते हैं। तो और हिंदी में भी ओरल एक्सप्रेशंस को लेते हैं, वर्ड रिकॉग्निशन को लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को लेते हैं, राइटिंग स्किल्स को लेते हैं। इस तरीके से करके जो है उसमें फर्स्ट टू फाइव ग्रेड तक का जो है वो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को चेक कर सकते हैं। लेकिन वो कहाँ से? ग्लैड आपको जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, गूगल पे आप डालोगे तो ग्लैड के बारे में आपको मिल जाएगा। एनआईएमएस से आप प्रोक्योर कर सकते हो। ओके, एनआईपीएम पीआईटी से। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए हम समापन की ओर जाते हैं। अब जिसको जो सवाल के क्वेश्चन करने हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकता है, ठीक है? तो मैं सविता शुक्ला, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन आईडी, आज की इस वेबिनार में आप सभी को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जितने भी प्रतिभागी जो यहाँ पे हमारे इस वेबिनार में जुड़े थे सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी रिसोर्स पर्सन संध्या मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने कम समय में हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया और इस आमंत्रण में आके और अच्छे से हम लोग को एलडी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एलडी के टाइप्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है और असेसमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में ये बृहद रूप से सबको बताया और सबको जानकारी दी। तो संध्या मैडम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ पूरे सीआरसी की तरफ से, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इसमें जितने भी प्रतिभागी सब जुड़े थे और उन्होंने ये पेशेंस के साथ में ये पूरा वेबिनार को अभी तक ज्वाइन किया और जुड़े रहे, और इसके लिए मैं पुनः आप लोग को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि सीआरसी की गतिविधियों के बारे में, जैसा कि नागेश पांडे जी ने बताया था कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं रन कर रही हैं, परंतु प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ इस समय अर्ली इंटरवेंशन यूनिट भी संचालित हो रही है जो 0-6 इयर्स के लिए रन कर रही है। 0-6 ईयर के जो डेवलपमेंट डिलेड माइलस्टोन के बच्चे हैं उनका कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट कैसा होगा, उनका मोटर स्किल डेवलपमेंट कैसा होगा, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल में तो वो 0-6 ईयर्स के बच्चों का ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यहाँ पे एक अम्ब्रेला की तरह कार्य कर रही है
और जो बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बात कर रही है और बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसका हमारा एक यही उद्देश्य है कि ये बच्चे जो डेवलपमेंट डिलेड माइलस्टोन के हैं वो स्कूल में जाके मेन स्ट्रीमिंग में जुड़े। दूसरा, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ लाइन भी है, MHRH स्कीम, जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसबिलिटीज, दिव्यांग जन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किरण हेल्पलाइन रन कर रही है। इसका नंबर है 1800599019। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये इस हेल्पलाइन में कैसी भी आप मेंटल इलनेस का, अगर आपके पास कोई भी है जानने वाला या स्वयं है जिसको जानकारी चाहिए, तो 24/7 ये हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं, और जिसमें एंजाइटी है और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसके लिए पूरा आपको फुलफिल जानकारी दे के आपको बताया जाएगा कि क्या कैसे आप अपने जीवन में एडजस्टमेंट बना के रखें। तो ये हमारी ये दो हमारे यहाँ रन कर रही है जो अभी प्रेजेंट टाइम में, अदर एक्टिविटीज के अलावा, तो इसके बारे में आप लोग को सबको जानकारी दिया मैंने। फिर अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने CRC के में हमारी डायरेक्टर मैडम, जो PDUNIPPD डायरेक्टर मैडम स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके नेतृत्व से इस तरीके की वेबिनार संपन्न हो पा रही है, और हमारे डायरेक्टर सर आदरणीय रमेश कुमार पांडे सर का, जिनके ऊर्जावान स्रोत से हम लोग नित नए नए ये आयाम पे हम लोग वेबिनार और संगोष्ठी है और कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे CRC के सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अपने समय को इन्वॉल्व करते हुए अदर एक्टिविटीज में इसमें प्रतिभाग किया। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे सभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री राजीव रंजन सर का, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सर का, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर विकास मिश्रा जी का, और लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन BI नागेश पांडे जी का, जिनके कोऑर्डिनेशन से इस तरीके की वेबिनार आयोजित हो पा रही है। और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं IT कंसल्टेंट हमारे यहाँ जो आप लोग को जोड़ते हैं दूर दराज के स्थानों से, और आप लोग को सर्टिफिकेट का काम करते हैं, और जो टेक्निकल कितनी भी प्रॉब्लम जो वेबिनार के कंडक्ट कराने के अंतर्गत आती है उसको सोल्यूशन उसका करते हैं। और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आप सभी का, जो आप सभी लोग हमारे सभी वेबिनार में जुड़ते हैं और पेशेंस के साथ में लास्ट मोड़ तक ही जुड़े रहते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को जानने की कोशिश करते हैं, अपने व्यूज भी शेयर करते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, पुनः आप सबको नमस्कार करती हूँ। आप अपने फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं और मैं लेफ्ट कर रही हूँ, आप लोग भी लेफ्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम, संध्या मैडम आपको धन्यवाद, संध्या मैडम हेलो हाँ अब मैं आप सब लोग लेफ्ट हो सकते हैं। मैम आपका धन्यवाद, पुनः धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सविता, थैंक यू सो मच। हाँ बहुत अच्छे से बताया, और जिसको कोई क्वेश्चन की जानकारी चाहिए तो चैट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन ले सकता है, और एक दो मिनट में आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं फीडबैक फॉर्म। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सविता। ये टुम 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 तो हमारे पास आई टुम टुम करो।